हाय, आज मैं फिर से एक बहुत ही मजेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। वो है कोरियन स्टाइल पोटैटो नूडल्स। सिंपल और इजी तरीका से बनाऊंगी, इजी तरीके से बनता भी है, ये बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। तो चलो मेरे किचन पे, मैं बनाऊंगी कोरियन स्टाइल पोटैटो नूडल्स। जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज करूंगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोरियन स्टाइल पोटैटो नूडल्स बनाने के लिए पोटैटो चाहिए, बॉयल करके ठंडा कर लिया मैंने। चार पोटैटो है इसमें, बीच में कट करके मैंने बॉयल कर लिया और बॉयल करके ठंडा कर लिया। और चाहिए कॉर्नफ्लोर, ये मैंने एक कप ले लिया। और चाहिए व्हाइट सेसमी सीड और एक चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, और दो ग्रीन चिली को भी बारीक चॉप कर लिया। हाफ चम्मच कश्मीरी रेड चिली अच्छे कलर आने के लिए। दो चम्मच ऑयल लिया और नमक रखा मैंने, जितनी ज़रूरत होगा उतनी यूज़ करेंगे। ये बड़े चम्मच की एक चम्मच नमक रखा है मैंने। और गार्लिक सॉस मैंने ले लिया, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो यूज़ करो, नहीं तो ये स्किप कर सकते हैं। और मैंने ले लिया डार्क सोया सॉस और थोड़ा फ्रेश धनिया पत्ता। स्प्रिंग ऑनियन की ग्रीन पार्ट को लिया बारीक चॉप करके। तो सबसे पहले आलू को मैश कर लूंगी। सारा पोटैटोस को अच्छे से मैश कर लिया और इसमें एकदम ही गुठलियां ना रह जाए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी कॉर्नफ्लोर। अभी मैं हाथ से धीरे धीरे मिक्स करूंगी। एक कप मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। अभी पहले मैं अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बनाऊंगी। आलू में भी बहुत डिफरेंस ही रहते हैं, कभी कभी कोई आलू ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकता है। तो मिक्स कर लिया अच्छे से, डो एकदम बराबर है। अगर डो टाइट हो जाएगा ना तो हल्का सा पानी का छिड़काव करके भी हम डो बना सकते हैं। तो डो मेरा रेडी हो चुका है। तो पोटैटो को एक डिजाइन देने के लिए सबसे पहले मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी अच्छे से। ऑयल लगाने के बाद एक पोर्शन ले लूंगी, छोटा सा पेड़ा जैसे कि पूरी के साइज का, और फिर उसको खूब अच्छे से गोल कर लेंगे हाथ से। गोल करने के बाद हमें एक चाहिए कांच का बॉटल। कांच का बॉटल का जो ये गोला है, ये थोड़ा मोटा साइज का है तो इससे अच्छा डिजाइन बनता है, पर प्लास्टिक का बॉटल पतला होता है, इसलिए कांच का ही हम यूज करेंगे। तो ये जो मैंने बॉल बनाया इसमें मैं एक प्रेस कर दूंगी बॉटल की जो मुंह है उससे, और हल्के हाथों से एक बार घुमाऊंगी और मैं निकाल लूंगी, और ये बन जाएगा एकदम मशरूम शेप की। एक और बनाती हूँ। फिर से हाथ में ऑयल लेके एक पोर्शन ले लूंगी, लेके खूब अच्छे से गोल कर लूंगी, बॉल बना लूंगी। पहले बॉल बनाने के बाद बॉटल लेके इसमें डिप करूंगी और घुमा के फिर हल्के हाथों से निकाल लूंगी। तो सारा पोटैटो नूडल्स मैंने बना लिया जो मशरूम के शेप में मैंने बनाया। तो अभी इसको हम बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के लिए एक बड़ा बर्तन में खूब सारा पानी बॉयल करने के लिए मैंने गैस के ऊपर बिठा दिया। अभी मैं इसमें डाल दूंगी दो चम्मच ऑयल ताकि ये जो नूडल्स है चिपक ना जाए, और पानी को एकदम अच्छे से पहले उबलने देंगे। तो पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, अब मैं डाल दूंगी पोटैटो मशरूम। तो पानी में मैंने डाल दिया, पहले ये नीचे बैठ जाएगा, जब तक पकेगा एकदम ऊपर तैरने लगेगा। तो 3-4 मिनट फुल फ्लेम पे पहले बॉयल करना रहेगा। तो बॉयल होने के बाद अपने आप ही ऊपर आ रहा है तैरने के लिए, मतलब ये एकदम हल्का हो जाएगा और ये बॉयल हो रहा है, कलर भी चेंज हो गया है। तो जैसे ही ऊपर तैरने लगा मतलब ये एकदम परफेक्ट बॉयल हो चुका है। तो हम इसको निकल लेंगे आराम से हल्के हाथों से, और निकल के आइस वाला पानी भी देंगे ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ये बंद हो जाए। और देखने में एकदम बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी सी बन गए हैं। तो आइस वाला पानी में 2-3 मिनट रखे रहने देंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस इसका बंद हो जाए और एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो जाए। तो 2-3 मिनट आइस वाटर में रखने के बाद मैं निकाल लूंगी एक बोल में।
तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और दो ग्रीन चिली जो बारीक कट करके रखी थी। उसके बाद मैं डाल दूंगी एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसके बाद मैं डाल दूंगी डार्क सोया सॉस। उसके बाद मैं डालूंगी एक चम्मच भर के नमक, ये है मम्मी वाला प्यार नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं डालूंगी ये गार्लिक सॉस और मैं डालूंगी दो चम्मच भर के शेजवान चटनी और फ्रेश धनिया पत्ता भी साथ ही साथ और ग्रीन ऑनियन। तो तड़का देने के लिए एक पैन में दो चम्मच मैं ऑयल ले लिया। फुल फ्लेम पे ऑयल गर्म होने के बाद मैं डाल दूंगी दो रेड चिली हल्का सा फ्राई कर लूंगी जैसे इनका कलर चेंज होने तक। तो कलर चेंज हो गया, अब मैं गैस बंद करूंगी। गैस बंद करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हाफ चम्मच व्हाइट सेसमी सीड। सेसमी सीड डालने के बाद अब मैं डाल दूंगी ये ऑयल को। तो ऑयल डालने के बाद अब मिक्स करना है हल्के हाथों से। ताकि एक एक ये पोटैटो मशरूम में सारा जो ये सॉस है लग जाए अच्छे से और खुशबू तो एकदम बहुत कमाल की निकलते है ऐसे जब हम बनाते हैं कोरियन स्टाइल के। अच्छे से मिक्स कर लिया हर एक पोटैटो मशरूम में, ये जो सॉस है अच्छे से कोट हो गया और खुशबू से ना मुंह में पानी भी आ रहा है। तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं गार्निशिंग कर दूंगी थोड़ा और स्प्रिंग ऑनियन से और थोड़ा सा व्हाइट सेसमी सीड से भी गार्निशिंग कर दूंगी। देखने में बहुत बढ़िया लगेगा, खाने में तो एकदम लाजवाब। तो बहुत इजी और सिंपल होता है और खाने में बहुत यम्मी जो खुशबू निकलते जब हम ऑयल से इसमें छौंक लगाते हैं बहुत बढ़िया फ्लेवर निकलते हैं। तो एकदम इजी तरीका से आप लोग भी बनाओ और बना के खाने के बाद कमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा था आज का मेरा ये रेसिपी। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।